अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको सिखा रही हूँ क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज ना। इसमें जिन चीज़ की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बताती हूँ। इसे मैंने आलू लिए हैं, 1 किलो मेरे आलू हैं। आलूओं को हम इसमें डाल देते हैं, बॉल में, बड़े बॉल में डाल लिए हैं। ये मेरे पास 3 टेबल स्पून भरे हुए ही, फुल 3 टेबल स्पून इसमें मेरे पास कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर को आप इसमें डाल दें। सॉल्ट है मेरे पास अपनी मर्जी के हिसाब से, जितना सॉल्ट आप डालें उस हिसाब से डालें। 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया इसके अंदर, लेकिन आप अपनी मर्जी से डालें। कॉर्नफ्लोर मैंने ज़रा सा पानी में, ज़रा उसी कटोरी में पानी में, बाउल के अंदर जो ये मेरा था कॉर्नफ्लोर था उसका पानी मैं डाल देती हूँ। अगर आपको मिर्चों वाले बनाने हैं तो आप इसमें ब्लैक पेपर मिक्स कर सकते हैं, काली मिर्चें डाल दें, लाल मिर्चें डाल दें। अगर स्पाइसी करने हैं तो आप इसमें रेड चिल्ली डाल दें, रेड चिल्ली पाउडर डाल दें। इसको इस तरीके से हमने मुकरना है। पानी मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है कि बस ये चिपक जाए इसके ऊपर ना। होने के बाद अब ये देखें मिक्स हो गए हैं। नमक असल में आप कम ही डालें, क्योंकि बाद में भी डाल सकते हैं नमक, तो हम उसके ऊपर भी, तो ये ना हो कि नमक ज़्यादा डल जाए आपसे तो वो फिर खाए नहीं जाएंगे। ये मैं लेके फ्रेंच फ्राइज अपने फ्रायर में डाल रही हूँ। थोड़ी देर बाद फिर मैं इसे चेक करती हूँ। हमारे फ्रायर रेडी हो गए, फ्रायर में ना चिप्स रेडी हो गए। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। हमने हमारे जो फ्रायर्स हैं ये गर्म हो चुके हैं, फ्रायर में हमने फ्राई कर लिए हैं फ्रेंच फ्राइज जो हमारे हैं। अब आप प्लीज़ इसको इन्जॉय कीजिएगा, पकाइएगा, बताइएगा मुझे कैसे लगे हैं, और दुआओं में जी याद रखें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।